ये जो भारतीय जनता युवा जैसा कि हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो है पाकिस्तान का पुतला जो है फूंका जा रहा है, और लगातार आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है कच्ची छावनी में पाकिस्तान का पुतला फूंकते हुए साफ तौर पर जो है दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हैं कच्ची छावनी की, जहाँ पे भारतीय जनता युवा मोर्चा जो कल जो दर्दनाक और शर्मसार जो घटना घटित हुई थी, जिसमें जो है अनंतनाग जिला अनंतनाग के कुकरनाग में जो है भारतीय सेना के दो मेजर और कर्नल और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP ने जो है अपनी शहादत दी थी, उसी को लेकर जो आज पाकिस्तान का पुतला जो है वो फूंका जा रहा है यहाँ कच्ची छावनी में, और ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। युवाओं के बीच में जो आप जो आक्रोश है वो साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूनिक न्यूज, और मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं इस समय कच्ची छावनी से है। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता है वो इस समय पाकिस्तान का पुतला फूंकते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कल जो शर्मसार जो घटना जिला अनंतनाग के कुकरनाग में घटित हुई थी, जिसमें जो है भारतीय सेना के एक कर्नल, एक मेजर और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP जो जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, उसको लेकर जो है पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पे जो है पुतला फूंका जा रहा है, और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लगातार इस शर्मसार घटना के खिलाफ जो है यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा जो शर्मसार जो देखिए, पाकिस्तान एक आदमी होता है ना, बार 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 जो उंगली देता है उसका हाथ काट देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत कुछ कर लिया है हिंदुस्तान के साथ। अंतिम समय है पाकिस्तान का, ये लास्ट समय है, जो पाकिस्तान जो है भारत से पंगा ले रहा है। भारत उसका बाप है, बाप बाप से पंगा ना ले। जो हमारे पुलिस के अफसरान जो कश्मीर में अनंतनाग में जो शहीद हुए हैं, ये एक बौखलाहट है। पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट और जो यहाँ पे सेपरेटिस्ट थोड़े से बचे कुचे रहे हैं, जो आज भी समझते हैं कि उनका दबदबा है, बट वो एक गलत फहमी में है। उनको चुन चुन के छांट छांट के मारा जाएगा। ऑल आउट जैसे ऑपरेशंस और पहले भी होते आए हैं, आगे और तेजी से बढ़ेंगे, और इन लोगों को छांट के चुन चुन के बदला लिया जाएगा। दिल बहुत दुखी है, दूसरी तरफ रोष है कि भारत का जो बढ़ता कद है वो पाकिस्तान को पच नहीं रहा। जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्थिरता और शांति आई है वो पाकिस्तान को पच नहीं रही, इसलिए वो कुकृत्य करने को लगा है। मैं माननीय मोदी जी से हाथ जोड़ करके फिर ये विनम्र निवेदन करूंगा, जहां पर हमको अपनी फौज के अदम्य साहस और पराक्रम पर विश्वास है, वहीं पर देश के राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी पर भी पूरा विश्वास है। यही समय है, सही समय है POJK के अंदर हर आतंकी ठिकानों को का सर्वनाश करना चाहिए, ध्वस्त करना चाहिए, और भारत की सीमाएं और बढ़ा देनी चाहिए। उन वीर जवानों के लिए आपका क्या कहना है? शहादत दी, दिल बहुत दुखी है। हम सभी नौजवानों का जो गुस्सा है, रोष है, वो देखने को बनता है कि भारत का प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक जो सिटीजन है, जो नागरिक है, वो बहुत दुखी है दिल से, और उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, उनके परिवारों को सांत्वना देता है। उनके साथ हमेशा भारत का हर नागरिक खड़ा है, उनके परिवारों के साथ, और ये जो घटना है केवल परिवारों के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ है। इसमें जो संलिप्त हैं आतंकी जो हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। कि आपने देखा जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और पाकिस्तान का पुतला भी यहाँ पे फूंका गया है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं कच्ची छावनी की। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप जुड़े रहिए द यूनिक न्यूज़ के साथ। मैं रोहित सेन, कैमरामैन संजीव के साथ, नमस्कार।